और इधर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मौजूदा मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली स्थित भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे, आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि कल पीएम मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ शिवराज सिंह ने भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। शिवराज सिंह चौहान के साथ उनका पूरा परिवार वो भी मौजूद रहा इस मौके पर। पत्नी साधना सिंह, दोनों बेटे कुणाल और कार्तिकेय वो भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। मंत्री बनने के बाद उन्होंने आशीर्वाद लिया। इधर बालाघाट में सराफा तस्वीर और वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया। वायरल हो रही तस्वीर और वीडियो में वो चप्पल पहनकर भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं। साथ में खड़े जनप्रतिनिधि बिना चप्पल जूते के भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं, लेकिन कमिश्नर संजय गुप्ता ने चप्पल नहीं उतारी। अब जनप्रतिनिधियों ने कमिश्नर से माफी की मांग की है। उज्जैन की ये तस्वीरें हैं जहां कमिश्नर ने शिवलिंग के जलाभिषेक के दौरान चप्पल नहीं उतारी। सभी लोग नंगे पांव जलाभिषेक कर रहे थे, लेकिन संभाग के वरिष्ठ अधिकारी चप्पल पहन के जलाभिषेक कर रहे थे। ये कहने के हिंदू धर्म और संस्कृति का अपमान है, और इतने बड़े पद पर रहने के बाद अगर इस प्रकार से संस्कृति का और धर्म का अपमान होता है, यह असहनीय है। उज्जैन धार्मिक नगरी है और धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, इसलिए मुझे लगता है कि माननीय संभागायुक्त महोदय को इस संबंध में कहीं ना कहीं माफी मांगना चाहिए। सहयोगी अजय पटवा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कोई रिएक्शन मिल पाया कमिश्नर का? ये वाकई इसे इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कोई छोटा मोटा घटनाक्रम नहीं है ये, अजय? जी देखिए, उज्जैन में जो है नमामि गंगे की तर्ज पर घाट और जो तालाब हैं उनकी सफाई अभियान चल रहा है, क्योंकि जल स्रोत बढ़ाना है, जल संरक्षण को लेकर इस तरीके का ये अभियान चल रहा है, घाटों की सफाई की जा रही है। वहीं अधिकारियों ने शनिवार के दिन जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर शिप्रा नदी के घाटों की सफाई की थी। उसी दौरान जनप्रतिनिधियों ने भगवान शिव को जल अर्पित किया था, तो उसी दौरान जो संजय गुप्ता हैं संभाग आयुक्त, उनके द्वारा चप्पल पहनकर जल चढ़ाने का एक फोटो और वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद जो है कई लोग उसका उंगली उठाने लगे हैं और उनसे जो है नगर निगम के जो पार्षद थे शिवेंद्र तिवारी, उनके द्वारा इनसे मांग की गई है कि इनको माफ़ी मांगना चाहिए और ऐसे जिस तरीके से जो जो धार्मिक भावनाएं उनको ठेस पहुँचाई गई है, तो अब इसके बाद जो है संभाग आयुक्त ने भी इस पूरे मामले में उन्होंने स्वीकार किया है कि उनसे भूल चूक हो गई थी। जिस तरीके उनको जैसे ही ध्यान में आया तो उसके बाद उन्होंने चप्पल उतार ली थी, लेकिन अब विवाद जो है घिराता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे जो है हिंदूवादी संगठन और जो जनप्रतिनिधि इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई है, अब इसमें संभाग आयुक्त तो माफ़ी मांग ही रहे हैं, अब उनकी तरफ से ऑफिशियली जो है सफाई आना बाकी है। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अजय विस्तार से जानकारी दे रहे थे किस तरीके से घटनाक्रम रहा। और इधर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मौजूदा मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली स्थित भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे, आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि कल पीएम मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ शिवराज सिंह ने भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। शिवराज सिंह चौहान के साथ उनका पूरा परिवार वो भी मौजूद रहा इस मौके पर। पत्नी साधना सिंह, दोनों बेटे कुणाल और कार्तिकेय वो भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। मंत्री बनने के बाद उन्होंने आशीर्वाद लिया।